हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके यूट्यूब चैनल SS स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इस वीडियो में डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर ऑल एग्जाम के लिए। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं 3 जून 2020 आज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए, इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। और दोस्तों हाँ, PDF फाइल चाहिए आपको इस क्लास की तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो कि आज मैंने सभी PDF फाइल जो कि अपलोड कर दी है टेलीग्राम पर। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एक देखते हैं क्या देखिएगा क्या है। हाल ही में किसने CAF में गैर स्वदेशी उत्पादों को हटाने के फैसले पर रोक लगा दी है, जो कि CAPF यानी कि याद रखिए सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स याद रखिएगा, जो कि हाल ही में किसने CAPF में गैर स्वदेशी उत्पादों को हटाने के फैसले पर रोक लगा दी है, तो याद रखिए गृह मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा याद रखिएगा, जो कि दोस्तों गृह मंत्रालय ने हाल ही में CAPF में गैर स्वदेशी उत्पादों को हटाने के लिए जो कि हटाने के फैसले पर रोक लगा दी है। गृह मंत्रालय ने जल्द ही केंद्रीय पुलिस के जो कि कैंटीन CRPF देश के BSF ITBP और CISF SSB में 10 लाख कर्मियों के लगभग 50 लाख परिवार के सदस्यों जरूरतमंद का सामान बेचती है याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं क्या देखिए। बॉलीवुड की मशहूर संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद में से वाजिद खान का हाल ही में कितने साल की उम्र में निधन हो गया है, तो याद रखिए कितने साल की उम्र में निधन हो गया, तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका 42 साल की उम्र में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा याद रखिए क्या है। बॉलीवुड की मशहूर संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद में से वाजिद खान का हाल ही में कितने साल की उम्र में निधन हो गया, तो याद रखिए 42 साल की उम्र में। क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड की मशहूर संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद से में से वाजिद खान का हाल ही में 42 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे कोरोना संक्रमित होने के साथ साथ लंबे समय से किडनी की समस्या से जूझ रहे थे, उनके निधन पर जो कि महानायक अमिताभ बच्चन ने दुख व्यक्त किया है याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या देखिएगा, क्वेश्चन नंबर तीन देखेंगे क्या देखिएगा। भारत सरकार जो कि भारत हाल ही में कोरोना के सबसे ज़्यादा प्रभावित 10 देशों की सूची में से 9वें स्थान से कौन से स्थान पर पहुंच गया है, तो याद रखिए कौन से स्थान पर पहुंच गया, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा 7वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा याद रखिए क्या है। भारत हाल ही में कोरोना के सबसे ज़्यादा प्रभावित 10 देशों की सूची में से 9वें से कौन से स्थान पर पहुँच गया, तो याद रखिए 7वें स्थान पर पहुँच गया याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों कोरोना के सबसे ज़्यादा प्रभावित 10 देशों की सूची में भारत हाल ही में 9वें स्थान पर फ्रांस को पीछे छोड़कर 7वें स्थान पर पहुँच गया है। भारत ने कोरोना वायरस के 1,88,883 मामले हैं, जबकि फ्रांस में फिलहाल में संक्रमितों की संख्या है 1,88,752 याद रखिएगा। भारत में कितने हैं तो याद रखिए 1,88,883 याद रखिएगा जो कि मामले हैं भारत में याद रखिएगा। और फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस में कितने हैं तो याद रखिएगा 1,88,752 मामले हैं याद रखिएगा जो कि फ्रांस में है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिए चार देखते हैं क्या देखिएगा। निम्न में से किस यूनिवर्सिटी ने PG विभागों को अंगीभूत और एफिलिएटेड कॉलेजों के स्टूडेंट को इस वर्ष अगले सेमेस्टर में प्रमोट करने की घोषणा की है, तो किस यूनिवर्सिटी ने, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका किसने, तो याद रखिएगा रांची यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा याद रखिए क्या है। निम्न में से किस यूनिवर्सिटी ने PG विभागों अंगीभूत और एफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट को इस वर्ष अगले सेमेस्टर में प्रमोट करने की घोषणा की है, तो याद रखिएगा रांची यूनिवर्सिटी ने याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों झारखंड की रांची यूनिवर्सिटी ने हाल ही में PG विभागों को अंगीभूत और एफिलिएटेड कॉलेजों के स्टूडेंट को इस वर्ष अगले सेमेस्टर के में प्रमोट करने की घोषणा की है। के जो लास्ट जो कि सेमेस्टर की परीक्षा होगी इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए एकेडमिक काउंसिल में रखा जाएगा याद रखिए, किसमें एकेडमिक में काउंसिल में रखा जाएगा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर पाँच देखिए क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम से एक वीडियो ब्लॉगिंग जो कि ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू की है, तो दोस्तों किस नाम से, तो याद रखिएगा मेरा जीवन मेरा योग। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा याद रखिए क्या है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा जीवन मेरा योग नाम से एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की शुरुआत की है, याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के योग और महत्व देने के लिए मेरा जीवन मेरा योग नाम से एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की शुरुआत की है। इस प्रतियोगिता में ICMR और आयुष मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या है। निम्न में किस राज्य ने जून से शराब पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने की घोषणा की है, तो याद रखिए किस राज्य ने। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका किसने, तो पंजाब राज्य सरकार ने, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। क्या निम्न में से किस राज्य सरकार ने जून से शराब पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने की घोषणा की है, तो याद रखिए पंजाब राज्य सरकार ने। क्योंकि दोस्तों पंजाब राज्य सरकार ने हाल ही में, क्योंकि पंजाब सरकार ने जून से शराब पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने की घोषणा की है। यह अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 2 रुपये से 50 रुपये तक का होगा। इस अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की राशि को सरकार COVID-19 संबंधित खर्च के लिए उपयोग करेगी। चलिएगा चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या। भारत के किस शहर में कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए रेलवे का पहला आइसोलेशन कोच लगाया गया है, तो दोस्तों कहाँ पे, याद रखिएगा किस राज्य सरकार में, तो याद रखिएगा दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। भारत के किस शहर में जो कि कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए रेलवे का पहला आइसोलेशन कोच लगाया गया, तो दिल्ली में, याद रखिएगा। भारत की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए रेलवे का पहला आइसोलेशन कोच लगाया है। राज्य सरकार ने अनुरोध पर रेलवे के 160 बेड के साथ 10 नॉन एसी कोच और हेल्थ केयर स्टाफ के जो कि एक आइसोलेशन कोच को लगाया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या देखिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 देखेंगे क्या है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बालकृष्णन ने हाल ही में किस पर एक नई जीवनी जारी की है, तो दोस्तों किस पर एक नई जीवनी जारी की है, तो याद रखिएगा किस पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिए क्या। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन ने हाल ही में किस पर एक नई जीवनी जारी की है, तो याद रखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। जो कि दोस्तों भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक नई जीवनी जारी की है, जिसका शीर्षक नरेंद्र मोदी समृद्धि और विश्व शांति के अग्रदूत हैं। इस जीवनी में मोदी जी के बचपन की तस्वीरों से लेकर दुर्लभ किस्सों को शामिल किया गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या देखिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 देखिएगा क्या। रेसलिंग फेडरेशन ने लगातार कौन से वर्ष खेल रत्न के लिए विनेश फोगट का नाम भेजा है, तो याद रखिए कौन से वर्ष के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका किसके लिए, तो वर्ष दूसरे के लिए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिए क्या। रेसलिंग फेडरेशन ने लगातार कौन से वर्ष खेल रत्न के लिए विनेश फोगट का नाम भेजा है, तो याद रखिए दूसरे वर्ष के लिए। दोस्तों रेसलिंग फेडरेशन में लगातार दूसरे वर्ष खेल रत्न के लिए विनेश फोगट का नाम भेजा है। पिछले वर्ष पहलवान बजरंग पुनिया का खेल रत्न के पुरस्कार से सम्मानित किया था, जबकि रिया ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली साक्षी मलिक का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए है, याद रखिए किसके लिए, अर्जुन पुरस्कार के लिए है, याद रखिए किसका, साक्षी मलिक का। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या देखिएगा। 2 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिए कौन सा दिवस मनाया जाता है 2 जून को, तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाए अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स डे, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिए क्या। 2 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स डे, याद रखिएगा। चलिएगा चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या देखेंगे। हाल ही में किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो याद रखिएगा किस राज्य के, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाल ही में किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या देखिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे देखिए 12 देखते हैं क्या। कैरेट इंडिया की मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या। कैरेट इंडिया की मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिएगा चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या देखिएगा।
दोस्तों यस्टरडे टू क्वेश्चन जो कि दोस्तों कल पूछे थे, देखेंगे इस क्वेश्चन क्या थे, देखिएगा चलिएगा। मशहूर ज्योतिषाचार्य बैजन दारूवाला का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो याद रखिए कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो याद रखिएगा 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिए क्या, मशहूर ज्योतिषाचार्य बैजन दारूवाला का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो याद रखिएगा 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। क्योंकि दोस्तों मशहूर ज्योतिषाचार्य बैजन दारूवाला का हाल ही में 89 वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस की जो कि वजह से निधन हो गया है। उनके निधन पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शोक व्यक्त किया, याद रखिएगा। जो कि मशहूर ज्योतिषाचार्य बैजन जो कि बैजन दारूवाला भगवान के जो कि गणेश के भक्त थे, किसके थे, गणेश जी के भक्त थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या देखिएगा, यही था दूसरा क्वेश्चन। देखिए विश्व दुग्ध दिवस कब शुरू किया गया था, तो याद रखिए विश्व दुग्ध दिवस कब शुरू किया गया था, तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 2001 से शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। दोस्तों विश्व दुग्ध दिवस जो कि दुग्ध दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO द्वारा की गई थी, क्योंकि दिन की शुरुआत एक वैश्विक भोजन के रूप में दूध के महत्व को पहचानने के लिए की गई थी, जो कि 2001 के बाद प्रत्येक वर्ष देखा गया, याद रखिएगा क्या, 2001 के बाद अब जो कि हर वर्ष मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस, याद रखिएगा। चलिएगा चलते तो दोस्तों आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों, लाइक कीजिएगा। और हाँ दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जो कि आपको नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।